हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फिजिक्स एसपीसी। वर्क एनर्जी एंड पावर का एक क्वेश्चन। द वर्क डन ऑन अ पार्टिकल ऑफ मास एम बाय अ फोर्स, ये हमें फोर्स दे रखा है और ये फोर्स एक्स और वाई डिपेंडेंट है, मतलब वेरिएबल है। एक्स और वाई बदलेगा, फोर्स बदलेगा, मतलब कॉन्स्टेंट फोर्स नहीं है। के बींग अ कॉन्स्टेंट ऑफ अप्रोप्रिएट डायमेंशन, वेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम द पॉइंट ए कॉमा जीरो टू द पॉइंट जीरो टू ए अलॉन्ग द सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अबाउट दी ओरिजिन इन द एक्स वाई प्लेन एच। चार चॉइस तरीके हैं। तो वो पहले इसका की कंसेप्ट देखते हैं, फिर इसका डायग्राम बनाएंगे, फिर इसको कैसे करेंगे वो बताऊंगा। देखो, अगर एफ जो है आपका जो फोर्स है वो कॉन्स्टेंट है, तो वर्क डन पूछे आपसे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाइए, डब्ल्यू इज इक्वल टू एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर, दैट मीन्स एफ एस कॉस थीटा। अगर फोर्स कांस्टेंट है तो दूसरा की पॉइंट। लेकिन अगर एफ वेरिएबल है, कांस्टेंट नहीं है, एफ वेरिएबल है, तो हम सीधे बर्डन नहीं निकाल सकते, क्योंकि एफ वेरिएबल होगा तो हमें उसके छोटे थोड़े टुकड़े करने पड़ेंगे। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में स्मॉल बर्डन निकालना पड़ेगा, क्योंकि स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेट लेट कर लेंगे तो उस स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए हम एफ को कॉन्स्टेंट मान सकते हैं। इसीलिए यहाँ पे अगर कभी भी फोर्स वेरिएबल हो, पहले स्मॉल बर्डन निकालते हैं, एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर, और फिर उसका इंटीग्रेशन करके टोटल बर्डन निकालते हैं। टोटल बर्डन अगर निकालना हो वर्क डन, तो उसका इंटीग्रेशन करके निकालते हैं, इंटीग्रेशन जी डब्ल्यू, दैट मीन्स इंटीग्रेशन एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। अगर एफ वेक्टर हमें एक्स वाई और जेड कंपोनेंट में गिवन हो, एक्स वाई जेड कंपोनेंट में गिवन हो, तो डी एस वेक्टर को हमें लेट कर लेना करना चाहिए एक्स वाई जेड कंपोनेंट में। ठीक है, तो ये इसका कंसेप्ट है बेटा, की पॉइंट। अभी करके दिखाता हूँ तब समझ में आएगा, पर ये ध्यान रखिए हमेशा जब भी फोर्स कॉन्स्टेंट हो तो सीधा सीधा बर्डन के लिए आता है फॉर्मूले से, लेकिन अगर फोर्स वेरिएबल हो तो पहले हमें छोटे छोटे स्मॉल डिस्प्लेसमेंट में फोर्स को कांस्टेंट कंसिडर कर सकते हैं। स्मॉल डिस्प्लेसमेंट के लिए फोर्स को कंसिडर कांस्टेंट कर सकते हैं, पहले स्मॉल बर्डन निकालेंगे। टोटल बर्डन निकालना हो तो जब भी किसी चीज को छोटे छोटे पार्ट में तोड़कर जोड़ना हो, ऐड करना हो, तो हमें इंटीग्रेशन करना चाहिए, इसलिए हम इंटीग्रेशन करके टोटल बर्डन निकाल लेंगे। ये कंसेप्ट पहले पता होना चाहिए। चलिए अब करते हैं सोल्यूशन। सबसे पहले हमें क्या करना है, इसमें एक डायग्राम बना लेना है, जैसा कि वो कह रहा है कि आपका वेन द पार्टिकल इज टेकन फ्रॉम पॉइंट ए टू जीरो, ए कॉमा टू जीरो, मतलब एक्स कोऑर्डिनेट जीरो ए और वाई कोऑर्डिनेट जीरो टू द पॉइंट जीरो टू ए, एक्स जीरो और वाई ए अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस ए अबाउट द ओरिजिन इन द एक्स वाई प्लेन एच। प्लेन एक्स वाई प्लेन है, देखो ये आपका मैंने प्लेन बना लिया एक्स वाई प्लेन, ये आपका एक्स एक्सेस बना लिया और ये मैंने आपका वाई एक्सेस बना लिया। एक्स कोऑर्डिनेट ये है ए कॉमा जीरो, मतलब पार्टिकल यहाँ से शुरू कर रहा है और यहाँ पर पहुँच रहा है और सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है ऐसे, बस पॉइंट ए कोऑर्डिनेट है जीरो कॉमा ए, तो ऑब्वियसली इसकी रेडियस सर्कुलर पाथ की रेडियस ए हो गई, सीधी सीधी दे रखी है कि इसकी भी ये भी कोऑर्डिनेट ए है, ये भी ए है और रेडियस ए क्वेश्चन में गिवन भी है। ठीक है, पार्टिकल यहाँ से यहाँ तक मुकर रहा है, लेकिन फोर्स जो लग रहा है यहाँ पे एफ वेक्टर लिख लें तो हम लिख सकते हैं। अच्छा, सर्कुलर पाथ की रेडियस, इसमें एक्स और वाई एक कोऑर्डिनेट होगा और ओरिजिन की कोऑर्डिनेट तो यही है, जब सर्कल की इक्वेशन ले सकते हो आप, इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल, क्योंकि सेंटर के कोऑर्डिनेट जीरो जीरो हैं और एक्स वाई सर्कल पर पाथ पर लाई करने वाले कोई भी पॉइंट हो सकते हैं, इसीलिए सर्कल की इक्वेशन लिखे हैं एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर सर्कुलर पाथ की रेडियस का ए स्क्वेयर। तो ये सर्कल की इक्वेशन हो गई आपकी यहाँ पे। ठीक है, एफ वेक्टर हमें कितना है, कितना के एक्स ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर आई कैप और इसकी पावर 3/2 प्लस वाई ओवर एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इसकी पावर 3/2 जे कैप इतना। अब देखो एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर की जगह पे हम ए स्क्वेयर लिख सकते हैं, तो एफ वेक्टर इज इक्वल टू के एक्स आई कैप ओवर, अगर इसकी जगह पर हम ए स्क्वेयर लिखें तो ए स्क्वेयर से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ए की पावर क्यू बचेगी। ऐसे ही वाई इक्वल टू, इसकी जगह पर हम ए स्क्वेयर लिखें तो ए स्क्वेयर से 2 कैंसिल हो जाएगा, ए की पावर 3 बचेगी और
के का मल्टीप्लाई कर लिया अंदर की तरफ, तो के वाई ए क्यू जे। अब देखो ये फोर्स अभी भी वेरिएबल फोर्स है, एक्स और वाई डिपेंडेंट फोर्स है, तो यहाँ पे ये फोर्स वेरिएबल है ठीक। इसीलिए जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट लेंगे डी एस वैक्टर, इसे लेट कर लेंगे डी एक्स आई कैप, कि एक्स में डिस्प्लेसमेंट, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट वैक्टर डी एक्स है और वाई में डी वाई है, जे में है नहीं, है जे में इसमें भी नहीं है, इसीलिए ऐसे लिख लें। इसलिए स्मॉल बर्डन निकालेंगे पहले बेटा, स्मॉल बर्डन, स्मॉल वर्डन निकालेंगे। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि फोर्स वेरिएबल है, तो स्मॉल वेक्टर बर्डन निकालें एफ वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर। एफ वेक्टर की वैल्यू के एक्स अपॉन ए क्यू आई कैप प्लस के वाई ओवर ए क्यू जे कैप डॉट, डी एस वेक्टर की वैल्यू डी एक्स आई कैप प्लस डी वाई जे कैप। देखो ये स्मॉल वर्डन डी डब्ल्यू निकला, अब इसका डॉट प्रोडक्ट कर लीजिए आप पहले, क्योंकि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट हो रहा है, तो डी डब्ल्यू निकाल लीजिए पहले आप। तो डी डब्ल्यू इज इक्वल टू, डॉट प्रोडक्ट करें तो क्या लिख सकते हैं, के ओवर ए क्यू एक्स डी एक्स, आई का आई के साथ करेंगे, क्योंकि आई और जे का डॉट प्रोडक्ट जो परपेंडिकुलर डॉट यूनिट वेक्टर होंगे उनका तो डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, केवल अलोंग वाला का बचेगा, इसीलिए आई का आई के साथ कर लें के अपॉन ए क्यू एक्स डी एक्स, और इसका इसमें कर लें, क्या लिख सकते हैं, के वाई ओवर ए क्यू डी वाई। अब टोटल बर्डन निकालना है अगर आपको, टोटल वर्क डन कहाँ से कहाँ तक, कौन से पॉइंट से निकालना है टोटल बर्डन, मैं पूछना है इस वाले पॉइंट टू इतने वाले पॉइंट तक, तो मतलब इस वाले पॉइंट से यहाँ तक मूव करने में पार्टिकल ने कितना बर्डन किया, इस वाले पॉइंट से इस वाले पॉइंट तक ठीक है। तो टोटल बर्डन डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू, इंटीग्रेशन के ओवर ए क्यू एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन के वाई ए क्यू डी वाई। अब देखो ये एक्स के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है और ये वाई के रेस्पेक्ट में, तो यहाँ लिमिट एक्स की आएंगी या वाई की आएंगी, इनिशियल लिमिट एक्स की फाइनल लिमिट एक्स की। तो देखो इनिशियल मतलब पार्टिकल यहीं से शुरू करा, तो इनिशियल लिमिट हो गई एक्स की कितनी ए, और यहाँ पर इस जगह पे फाइनल पॉइंट पर एक्स की लिमिट कितनी है जीरो, ऐसे ही यहाँ पर वाई की लिमिट कितनी है इनिशियल जीरो, और यहाँ पर वाई की लिमिट कितनी है ए ए, इसीलिए देखो मैंने लिमिट लिख दी एक्स की, लिमिट लिखी मैंने यहाँ से इस इक्वेशन से एक्स की लिमिट ए ए और एक्स की जीरो, फिर यहाँ पे वाई के लिखेंगे वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो यहाँ पे वाई की जीरो और यहाँ पे भी वाई की ए, वाई की ए ठीक है, लिमिट पुट कर दी। तो डब्ल्यू इक्वल टू, अब देखो किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन है, एक्स के रेस्पेक्ट में, तो ये कॉन्स्टेंट टर्म है पूरा, तो के अपॉन ए क्यू बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स जीरो टू ए, सॉरी ए टू जीरो ठीक है, ए से जीरो, और प्लस के अपॉन ए क्यू फिर बाहर आ जाएगा इंटीग्रेशन वाई डी वाई और लिमिट जीरो टू ए, इंटीग्रेशन कर दें के अपॉन ए क्यू और एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वेयर वाई टू और लिमिट हो गई ए कॉमा जीरो, प्लस के अपॉन ए क्यू इंटीग्रेशन हो गया वाई स्क्वेयर अपॉन टू और लिमिट हो गई जीरो टू ए। अब लिमिट पुट कर दें तो के अपॉन टू ए की पावर थ्री, ये टू बाहर निकाल लिया, लिमिट पुट करें तो पहले जीरो का स्क्वायर माइनस फिर ए स्क्वायर, ऐसे इसमें के ओवर ए क्यू टू बाहर आ गया, पहले अपर लिमिट ए स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट जीरो। अब देखो यहाँ ये नेगेटिव में है, माइनस का के ए स्क्वायर ओवर टू ए क्यू, और यहाँ ये प्लस में है के ए स्क्वायर ओवर टू ए क्यू, कैंसिल इज इक्वल टू जीरो, बर्डन जीरो हो गया, इसलिए बर्डन इसमें आएगा जीरो, डी चॉइस इज करेक्ट चॉइस। इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, इतना करने की जरूरत नहीं थी, लॉजिकली भी इसे कर सकते थे हम, कैसे तो वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। पढ़ते रहिए और खुश रहिए, थैंक यू।